हेलो मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ मैं, भरत कुमार। और हम आज पढ़ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने पॉलिटिकल साइंस को लेकर, जिसमें हम कहें कि ये जो आज का टॉपिक है वो बीएस सेकेंड ईयर वालों का सेकंड पेपर है पॉलिटिकल में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो तैयारी करते फर्स्ट ग्रेड की पॉलिटिकल के लिए, इनका ये जो राजनीतिक विचारक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम देख रहे हैं जीन जैक्स रूसो, रूसो के बारे में। तो इसकी ये ध्यान रखिएगा, इसको हम यहाँ पे आज शॉर्ट वीडियो में इसकी जीवन परिचय को जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसके बारे में। और सेकंड जो होगा इस अपना वीडियो, उसमें इसकी जो बचे हुए जो विचार हैं वो हम आगे वाले वीडियो में भी जानेंगे, तो कुछ विचार आज भी देंगे। तो जैसे हम बात करें जीन जैक्स रूसो, अगर आप नाम तो सुना ही होगा क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण विचारक है। तो जब इसका जीवन परिचय की हम शुरुआत करें तो हर चीज़ एक अपने आप में इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि देखिए जितने भी विद्वान हुए उनके अगर हम विचार पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके विचार वो उनकी ज़िंदगी से प्रेरित होते हैं। तो हर विद्वान के विचार उनके जीवन के आसपास इर्द गिर्द विचारों से ही बनते हैं। तो ऐसे ही जीन जैक्स रूसो का भी जीवन है, लेकिन इसका थोड़ा अलग है, इसका थोड़ा अलग जीवन है। क्योंकि अगर हम बात करें तो बाकी विद्वानों से अलग जीन जैक्स जो रूसो हैं, उनका जीव जो प्राकृतिक यानी जिनका जो स्टार्टिंग जो पारिवारिक जीवन है वो बाकी विद्वानों की तरह सभी तरीके से नहीं हुआ था। क्योंकि जैसे ही जब इनकी माँ ने उनको जन्म दिया उसी दौरान उनकी माँ का भी देहांत हो गया था, और उनके पिताजी थे वो थोड़े हम कहें कि नशेड़ी थे और लापरवाह थे, तो इसलिए उसने प्लेटो पे अपने रूसो पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो प्रात जो स्टार्टिंग एज में है उनकी एजुकेशन पे उनको ध्यान देना था, तो बिल्कुल भी एजुकेशन पे उसकी फादर ने बिल्कुल भी जिम्मेदारीपूर्ण कर्तव्य नहीं निभाया। तो फिर शुरुआत में ये लापरवाह हो गए, सही से व्यवस्थित पढ़ नहीं सके, लापरवाह हो गए। तो 14 वर्ष, जब हम कुछ इम्पोर्टेंट में जैसे मैं बताऊँ, जब अगर बात करें तो ये जब पैदा हुए तो वो समय इनके जेनेवा का था, ठीक है ना, जेनेवा में। वो ये एक ऐसी ध्यान रखना है क्योंकि जो इनकी हिस्ट्री है वह कहीं ना कहीं इनसे बिलोंग करती है। तो इनका जो जन्म है वो जेनेवा में होता है, और जन्म के दौरान ही इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, और इसके फादर जो फादर है वो काफ़ी लापरवाह भी होते हैं जैसे अभी मैंने बताया। तो इनकी प्राथमिक शिक्षा है या प्राथमिक जो जीवन है वो सही तरीके से नहीं चलता है जैसे बाकी विद्वानों का होता है, ठीक है। तो इस तरह से वह थोड़े ऐसे हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना एक बच्चा जो बिल्कुल एजुकेशन विद्या नहीं तो वो लापरवाह हो जाता है, ठीक है। तो जब वो लापरवाह हो जाता है तो ये उनके जीवन का एक ऐसा दौर होता है जब वो लापरवाह ज़िंदगी जीते हैं, यानी 16 वर्ष के होते हैं तब उसके, यहाँ तक तो वो ऐसे ही, उनका न तो कोई ठिकाना होता है सही से कि मैं कोई व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त करूँ या उसका कोई नज़रिया हो जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ, उनके दृष्टिकोण को सुधारने वाला कोई नहीं होता है। तो आवारदगी करते, क्या करते, आवारदगी यानी घूमना ऐसे करना। तो अब जब इसके बाद की बात आती है तो इसके बाद 16 वर्ष के बाद का आगे का जो 14 वर्ष और है, आगे का 14 वर्ष जीवन वो भी ऐसे ही घुमक्कड़ व्यक्त होता है। कैसे जीवन गुजरता है, घुमक्कड़ की तरह, उनका कोई व्यवस्थित ठिकाना नहीं होता है। और इनकी व्यवहार, इनका व्यवहार क्या होता है, थोड़ा घमंडी होता है, ठीक है ना, और घमंडी के साथ हम कहें कि अस्थिर चरित्र होता है। चरित्र का मतलब कहें कि इनको हम ऐसा कहें कि वो फिक्स किसी भी विचारधारा पे नहीं चलते थे उस समय। तो इस तरह से घमंडी, अस्थिर और कहते हैं कि आवारदगी वाले, ठीक है, और सम्मान नहीं करते थे, ठीक है ना, सम्मान नहीं करना, यानी जो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें, उनके जो विचार थे वो दूसरों से मेल नहीं खाते थे, या इनका व्यवहार ऐसा था कि कोई इससे मित्रता नहीं करता था। कोई ऐसे भी होते हैं जो तू तड़क जवाब देते हैं। तो शुरुआत का जो इनका जो जीवन है वो काफ़ी अस्त व्यस्त रहता है, उनका संपर्क अगर अच्छे लोगों से होता भी है तो इनके व्यवहार से वो अच्छे लोग इनसे दूर चले जाते हैं इनके जीवन के। इस तरह से 16 के बाद आगे के 14 वर्ष भी ऐसे घुमड़कड़ होते हैं और हो जाते हैं ये 30 साल के। कितने साल के हो जाते हैं, 30 वर्ष के होते हैं। तो ध्यान रखिए अगर यही विद्वान अच्छा एजुकेशन प्राप्त करता तो और बेमिसाल होता, लेकिन इसके अंदर कहते हैं ना कि टैलेंट तो था लेकिन उसको दिशा नहीं मिली थी। तो एक समय आया, जब हम बात करें एक समय आया जब वहाँ की विज्ञान अकेडमी के द्वारा एक प्रतियोगिता आयोजित की, निबंध प्रतियोगिता,
कौन सी प्रतियोगिता? निबंध। और ये जो निबंध प्रतियोगिता है, इस निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत रूसो ने भाग लिया, यानी रूसो ने निबंध लिखा था। अब पूछा ये जाता है कि विज्ञान के द्वारा जो निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, ठीक है ना, और जो निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी वो की थी 1749 में। पूछा ये जाता है कि इस निबंध प्रतियोगिता में जो निबंध लिखना था उसकी उसके लिए क्या विचार दिया गया था, यानी क्या सब्जेक्ट या क्या शीर्षक था, क्या टाइटल था जिस पर उस समय के विद्वानों को निबंध लिखना था। तो यहाँ पर निबंध के रूप में ये कहा गया था कि जो विज्ञान और कला है, जो यहाँ पे मैं आपको वही चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। उस समय निबंध का विषय था किसके द्वारा? विज्ञान, विज्ञान अकेडमी के द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की। इसका विषय था कि विज्ञान एवं कला ने, यानी आर्ट एंड साइंस, क्या बात करेंगे हम, आर्ट एंड साइंस ने नैतिकता में प्रगति की है, या प्रगति मतलब उन्नति, हम कहें कि डेवलपमेंट किया हो तो उन्नति की है, ठीक है, या उन्नति उन्नति की है, या कहें श्रेष्ठ श्रेष्ठ जीवन बनाया है, ठीक है, ये बता रहा हूँ, या जीवन भ्रष्ट हो गया है। ये कहा कि कला और विज्ञान ने नैतिकता की तौर पे लोगों में उन्नति की है, लोगों का जीवन अच्छा बनाया है, या उनका जीवन उल्टा भ्रष्ट कर दिया, विशुद्ध कर दिया, क्या किया, ये टॉपिक था। इस टॉपिक के अंदर रूसो ने भाग लिया। रूसो ने भाग लिया तो बिल्कुल बहुत अच्छे टैलेंटेड था, तो उसने जो निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया तो उनके विचारों ने हर जगह छाप छोड़ दी और ये प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन्हें पुरस्कार मिला प्रथम स्थान, और हर जगह अचानक से बड़े बड़े विद्वानों के बीच में इनका नाम आ गया और हर कोई चौंका रह गया, क्योंकि उस समय का दौर था पूंजीवादियों का, उनका जो विचार था काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उन्होंने कहा था एक जगह कि ये जो दौर है वो लोगों का शोषण करता है, लोग एक दूसरे का शोषण करते हैं, इस तरह से लोग क्या करते हैं, दूसरे का शोषण करते हैं, तो ये परिस्थिति ऐसी बन गई है जिससे विज्ञान और कला ने खुद समाज को भ्रष्ट बना दिया। क्या बना दिया? भ्रष्ट। तो उसने कहा, उसकी फेमस लाइन थी रूसो की, हमें पुनः प्राकृतिक जीवन लौटा दो, यानी ये कह रहा है कि हमें उन्नति नहीं चाहिए, हमें वो वापस दौर दीजिए जिस दौर में हम थे, हमें वापस वो दौर दीजिए, यानी कहा था कि हमें फिर से अज्ञान भोलापन और निर्जनता दे दो, क्योंकि हम उसमें ही सुख थे, हम जितने ज़्यादा जानकार हुए समस्या उतनी बढ़ गई जो अब संभालने जा रही, तो हमें वापस कह रहा है कि ये भगवान हमें वापस वही भोलापन वही अज्ञानता ऐसी चीज़ दे दो जिनसे हमारा जीवन सुखीपूर्ण व्यस्त है। ये विचार इसका था, पॉपुलर हुए, लेकिन इनकी प्रसिद्धि और इनके पैसे मिलने के बावजूद भी इनके जीवन में बदलाव नहीं हुआ, उल्टा उसके विपरीत उन्होंने काम किया। उन्होंने बड़े बड़े लोगों से संबंध तोड़ दिया, क्योंकि अच्छे मतलब जब फेमस होते तो हर कोई इसके पास आता, अच्छे अच्छे घर की लड़कियां भी उनसे संपर्क में, लेकिन उन्होंने उनका ध्यान नहीं दिया और निम्न वर्ग की धोबिन महिला से शादी कर ली। उसके बाद उनका जीवन और बहुत ही कष्टों से गुजरा, वो सिलाई कढ़ाई करके अपना जीवन गुजारते थे। तो इसी तरह एक बार और विज्ञान अकेडमी के द्वारा एक हम कहें कि एक और निबंध प्रतियोगिता होने जा रही थी, ठीक है, एक बार और निबंध प्रतियोगिता होने जा रही थी। और ध्यान रखिए इनका जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण गुजरा था, तो ये हर उस चीज़ से रूबरू थे जो एक व्यक्ति और समाज के होने के नाते क्या वैल्यूबल होती है। तो जब एक तो हुई थी 1749 में, दूसरी विज्ञान प्रतियोगिता हुई 1754 के आसपास विज्ञान अकेडमी के द्वारा, ठीक है। और इस बार विज्ञान अकेडमी ने इसका विज्ञान अकेडमी के द्वारा जो मतलब टाइटल रखा गया जिस पर निबंध लिखना था उसका नाम था असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला, असमानता की उत्पत्ति एवं आधारशिला,
ये टाइटल था, और इस टाइटल पर रूसो ने जो लिखा ना वो पहले वाले लेख से भी बढ़िया लिखा था, तर्कपूर्ण और सार संगत था। उसने कहा कि ये असमानता ही एक ऐसी वजह है, यानी उसने कहा कि जो संपत्ति होती है ना, इस संपत्ति की वजह से लोगों में असमानता आ गई है, क्योंकि कुछ प्रभावशाली लोगों ने कहा कि ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी संपत्ति, इस तरह से उन्होंने हक कर दिया, और दूसरे वो भी अभागे थे जिन्होंने उनके इस अधिकार को स्वीकार कर लिया। तो एक जगह संपत्ति होगी, एक जगह संपत्ति नहीं होगी, तो ये असमानता हो गई। और ये जो असमानता की उत्पत्ति है इसका रीजन उन्होंने बताया संपत्ति, ठीक है ना, प्रॉपर्टी, इसी को आधार बनाते हुए। लेकिन उन्होंने जो जिस तरह के कटाक्ष किए, जो पॉइंट लिखे ना, वो उस समय के पूंजीपतिवादियों को जमे नहीं, यानी उस समय पूंजीपतियों का बोलबाला था, उनके विचार पूंजीपतियों को जमे नहीं। तो अच्छा ये होते हुए भी इनको इस निबंध को कोई प्राइज नहीं मिला, ये निबंध को फेल कर दिया, जबकि बहुत अच्छा निबंध था। तो इस तरह इस घटना के बाद इनके जीवन में और ज़्यादा बदलाव आया, और इस संसार की इस तरह की कंडीशन से उसका मन है वो भिन्न करने लगा कि ये कोई काम के नहीं है। और इस निबंध में उन्होंने कहा था कि ये जो विषमता यानी जो भेदभाव हो रहा है ना, इसका मेन रीजन संपत्ति ही है, और इसी से लोग अस्वाभाविक और अनैतिक पूर्ण हो गए हैं। और इस तरह से रूसो इस नश्वर संसार से घृणा करता है, और रूसो का जो द्वितीय निबंध वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन उस पर उन लोगों का ध्यान नहीं गया तो जाना चाहिए था। फिर इसके बाद 1762 में वे पेरिस छोड़ देते हैं, और अगला अपना शेष जीवन है वो खानाबदोश में गुजारते हैं, कभी इधर कि वे इधर, तो इस तरह से घूमते घूमते यानी घुमक्कड़ अपना जीवन बिताते हैं, और लास्ट में 1778 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस दौरान घूमते उन्होंने अपने काफ़ी विचार, ग्रंथ और बातें बताई हैं। तो आज का ये जो टॉपिक था, हमने सिर्फ यही जाना है कि रूसो का जीवन कैसा रहा है, जीवन परिस्थितियाँ क्या थी, और इनकी जो फेमस पुस्तक है वो आपको पता होगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट सबसे फेमस पुस्तक है, ठीक है ना, सामाजिक अनुबंध 1762 में लिखी गई थी। डिस्कर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस, ये निबंध के ऊपर उस समय निबंध में भाग लिया था, 1749। फिर बात करें इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स इकोनॉमी 1758। एक कहावत, एक लाइन आपको याद होगी जो रूसो ने कही है, रूसो ने ही वो बात कही थी कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न तो होता है, लेकिन स्वतंत्र चारों ओर से झगड़ा हुआ है। जन्म लेता है तब आप भी यकीन करते स्वतंत्र होता है, लेकिन समाज की ये परिस्थिति आती है कि वो अपने आप को झगड़ा हुआ महसूस करता है। तो ये लाइन रूसो की है। तो इसी लाइन के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं, और मिलेंगे नए वीडियो के साथ इसका जो सेकंड पार्ट है। तब तक के लिए कुछ भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स मेंशन कीजिए, अदरवाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।